মুহূর্তে আমরা সরাসরি চলে যাব বেনারস ইউনিভার্সিটিতে বক্তব্য রাখছেন নরেন্দ্র মোদী। हर पीढ़ी दर पीढ़ी इसमें कुछ न कुछ जुड़ते रहना चाहिए और जुड़ना भी वो हो जो आगे के रास्ते भी खोलने वाला हो। और कला जगत को समर्पित लोगों ने सदियों से इस कार्य को निभाया है। आज यहां चाणक्य नाट्य का भी मंचन होने जा रहा है। मोटा मोटा मुझे याद है, शायद मैं गलती करता हूं कि कलाकार उसको ठीक कर लेंगे, शायद ये उनका 1001वां मंचन है यहां पर। और मुझे याद है कि उनका जो पहला मंचन हुआ था उस दिन मैं मौजूद था। राजनीतिक विचारधाराएं कितनी आई कितनी गई, आर्थिक चिंतन कितने ही आए कितने ही गए, लेकिन एक चाणक्य है जो आज भी अजरा अमर है। सदियों पहले एक महापुरुष कितना दूर का देख सकता है, आज भी अर्थव्यवस्था के संबंध में, मुद्रा नीति के संबंध में चाणक्य के विचार अगर पढ़े तो लगता है कि आज जो स्थितियों से गुजरते हैं उसके संबंध में कभी पहले सोचा गया था। खैर, मैं पूरा समय तो नहीं रह पाऊंगा, लेकिन कलाकारों से मिलकर के जरूर जाऊंगा, क्योंकि कला का सम्मान तो होते रहना चाहिए। आज एक दो महत्वपूर्ण चीजें, वैसे आज मैं काशी में अलग अलग कार्यक्रमों में करीब करीब 2100 करोड़ रुपयों के विकास के कामों का या तो शिलान्यास या लोकार्पण करने वाला हूं। आज यहां बीएचयू में जिसका शिलान्यास हो रहा है, बहुत कम लोगों को कल्पना होगी कि इससे आने वाले दिनों में कितनी बड़ी सेवा होने वाली है। हमारे देश में जब भी कैंसर की चर्चा होती है तो मुंबई के टाटा रिसर्च इंस्टीट्यूट तरफ ध्यान जाता है। भारत सरकार के द्वारा योगदान से वो इंस्टीट्यूट चलती है और उसमें जो लोग आते हैं, मरीज आते हैं, अधिकतम मरीज उत्तर भारत से आते हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं, उसमें भी पूर्वी उत्तर प्रदेश से आते हैं। और हम जानते हैं मुंबई में किस प्रकार से यहां का गरीब व्यक्ति, गांव का व्यक्ति जाएगा, क्या करेगा। अब उसी में से विचार आया कि क्यों न हम इस पूरे क्षेत्र के लिए, जिसका लाभ झारखंड और बिहार के लोगों को भी मिल सकता है, उसी स्तर का एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाए, जिससे यहां के मरीजों को सेवा उपलब्ध हो, रिसर्च का भी काम हो और भारत सरकार इसकी देखभाल करे, ताकि टाटा इंस्टीट्यूट जैसा चलता है उसी लेवल का, एक इंटरनेशनल लेवल का ये इंस्टीट्यूट निर्माण हो। आज उसका शिलान्यास अभी हुआ। तभी करीब अभी अंदाज है 600 करोड़ रुपया, लेकिन हो सकता है उसको हमारे देश में 600 से 1000 होने में देर नहीं लगती है। लेकिन लागत के कारण कभी काम रुकेगा नहीं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का भी आभारी हूं कि उन्होंने इस काम के लिए 10 एकड़ भूमि आवंटित करने के लिए सहमति जताई, तो एक बहुत बड़ा सेवा का काम।
इससे होगा। आज दूसरा भी एक काम हो रहा है कि यहां पर जो हमारा मेडिकल इंस्टीट्यूट चल रहा है उस इंस्टीट्यूट के लिए भी शताब्दी सुपर स्पेशलिटी संकुल का भी शिलान्यास हुआ है। ये बात सही है कि एक जमाना था जब गांव में एक वैद्यराज हुआ करते थे लेकिन गांव पूरा स्वस्थ होता था। वक्त ऐसा बदलता चला कि अब आंख वाला डॉक्टर अलग चाहिए, कान वाला अलग चाहिए, पैर वाला अलग चाहिए, हृदय वाला अलग चाहिए। कभी वो भी दिन आएगा कि बाएं हाथ वाला अलग होगा, दाहिने हाथ वाला अलग होगा। कहने का तात्पर्य है कि अब सुपर स्पेशलिटी का महत्व बढ़ रहा है। विशिष्ट बीमारी विशिष्ट अवस्था का सीधा उसी पे फोकस करके ट्रीटमेंट करना और पूरे हेल्थ को इंटीग्रेटेड हो, और इसलिए आज आवश्यकता बन गई है कि सुपर स्पेशलिस्ट व्यवस्थाएं विकसित हो और सिर्फ सेवा न हो रिसर्च भी हो। उस प्रकार के मरीजों का अध्ययन भी होते रहना चाहिए, उसमें किस प्रकार से बदलाव आए उसको भी देखना चाहिए। पहले का जमाना था कि वैद्यराज नाड़ी पकड़ के तय करता था क्या तकलीफ है। धीरे धीरे मेडिकल साइंस ने अनुभव के आधार पर तय होने लगा। डॉक्टर पेशेंट को एक 12-15 सवाल पूछता था और तय कर लेता हाँ इसके आसपास कुछ होगा और फिर वो प्रयोग शुरू करता था। लेकिन अब डॉक्टर का काम धीरे धीरे कम होता जा रहा है, टेक्नोलॉजी का बढ़ता चला जा रहा है। टेक्नोलॉजी तय करती है, मशीन के अंदर आपको डाल देते हैं, मशीन तय करता है कहां गलती है कहां गड़बड़ है, और फिर डॉक्टर कहता है अच्छा ये है तो फिर ये करेंगे, ये है तो ये करेंगे। टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन मेडिकल साइंस में बहुत तेजी से बढ़ रहा है और उसके कारण परफेक्शन भी आ रहा है, प्रॉपर ट्रीटमेंट भी संभव हुई है और मरीज के उपचार के लिए भी एक अच्छी व्यवस्था विकसित हो रही है। भारत जैसे देश में उत्तम से उत्तम प्रकार की हेल्थ केयर के लिए हम सक्षम हैं। हमारे पास जो ह्यूमन रिसोर्स हैं, दुनिया के जो समृद्ध देश हैं वहां भी भारत के डॉक्टरों की आज भी उन्हीं की आवाज सुनी जाती है, इतनी ताकत है। दुनिया के बड़े बड़े लोगों से कभी मिलते हैं तो परिचय करते हैं तो नहीं नहीं मेरा फलाना डॉक्टर है ना वो इंडियन है, वो तुरंत बताते हैं, उनको बड़ा गर्व होता है वो इंडियन मेरा डॉक्टर है। और इसलिए हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स कैपेबिलिटी जिसको कहें बहुत है, लेकिन हमें गरीब से गरीब व्यक्ति को सस्ते से सस्ती और सही दवाएं कैसे उपलब्ध हो, इस दिशा में हम बहुत आग्रहपूर्वक काम कर रहे हैं। हेल्थ इंश्योरेंस से लेकर के हेल्थ एश्योरेंस पर हम बल दे रहे हैं। स्वच्छता अभियान हो तो भी वो अल्टीमेटली हेल्थ की ही केयर करने के लिए उपकारक होता है। तो ऐसे अनेक विषयों को लेकर के जेनरिक मेडिसिन सस्ते मिले और सही मिले, सही समय पर मिले, और इसलिए जन औषधि भंडार बहुत बड़ी मात्रा में उसका भी काम चल रहा है। तो ये जो दोनों प्रकल्प है वो एक प्रकार से गरीब की भलाई के लिए हैं। और मुझे आज महामना जी की स्मृति में
इस काम को करने का अवसर मिला है, ये मैं अपना सौभाग्य मानता हूं। आप देखते होंगे इन दिनों देश का एक बहुत बड़ा सफाई अभियान चल रहा है। अगर गंदगी का बड़ा ढेर हो और वहां से आप गुजरते हैं तो दुर्गंध आती है। बार बार आते हैं जाते हैं तो पता है कि अब यहां दुर्गंध शुरू हो जाएगी, वहां पहुंचेंगे तो पूरी हो जाएगी। और एक सीमा में दुर्गंध महसूस होती है, उससे ज्यादा फिर महसूस नहीं होती। लेकिन जब उस ढेर की सफाई शुरू करते हैं तो गंध इतनी ज्यादा महसूस होती है कि वहां से गुजरना मुश्किल हो जाता है। गंध का ढेर वैसे ही वैसा पड़ा है तो एक सीमा तक ही गंध महसूस होती है, लेकिन जैसे ही उसको सफाई करना उठाना शुरू कर दिया तो ऐसी गंध महसूस होती है। आजकल आप देख रहे होंगे कैसी कैसी गंध महसूस हो रही है। लेकिन एक बार ढेर साफ हो जाए तो फिर मन करता नहीं, अरे ये तो जगह इतनी अच्छी बगीचा बनाया जा सकता है। कान इतने सालों का ढेर गंध भरी पड़ी है। लेकिन ये काशी के आशीर्वाद है कि मैंने गंध की सफाई का बेड़ा उठाया है। भोले बाबा की धरती के आशीर्वाद में भी तो ताकत होती है। कुछ लोग कहते हैं कि मोदी जी ने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया लेकिन उनको अनुमान नहीं था। ये बात सही है कि बहुत सी चीजों का मैंने अनुमान किया था लेकिन एक चीज का अनुमान करने में विफल हो गया। मैं नहीं कर पाया। अब वो मेरा देश मेरे संस्कार था क्या था मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं नहीं कर पाया। मैंने जब इस पूरा काम के लिए दिमाग खपा रहा था, योजना बना रहा था, कभी सोचा नहीं था कि देश के राजनेता कुछ और कुछ राजनीतिक दल हिम्मत के साथ बेईमानों के साथ खड़े हो जाएंगे। ये मैंने हिसाब नहीं लगाया था जी, मैंने सोचा ही नहीं था कि संभव है। और आपको मालूम है अब मैं सोच रहा हूं ये सब कैसे हो रहा है जी। पाकिस्तान घुसपैठियों को हिंदुस्तान में भेजना हो तो क्या करता है, वो सीमा पर फायरिंग शुरू कर देता है तो फिर हमारी फौज भी बिजी हो जाती है उसके साथ, तो इधर उधर इधर चलती रहती है आमने सामने और लपक करके वो घुस जाते हैं। उनको कवर मिल जाता है बेईमान। इन दिनों संसद में आपने देखा होगा तू तू मैं तो इन लोगों को पीछे से। मुझे अब समझ आया ये होलना किसकी भलाई के लिए किया जा रहा है। पुराने जमाने में देखा होगा आपने मेले होते हैं, मेले उसमें पिक पॉकेटर आते हैं तो उनको लगता है ये सबसे बढ़िया जगह है, एक दिन में ज्यादा बिक्री हो कमाई हो सकती है, जेब कतरे आ जाते हैं। लेकिन वो बड़े चाता चालाक होते हैं जी, वो जेब कतरा जेब काटेगा तो उसका जो साथी दूर खड़ा है उसको पता चलता है आप काम हो गया
तो उधर की तरफ दौड़ता है, ये चोर चोर भाग रहा है, चोर भाग रहा है, चोर भाग रहा है, है? तो पुलिस पुलिस सब वहां भागेगी और वो जेब कतरा आराम से उधर से निकल जाए। बेईमानों को बचाने के लिए, बेईमानों को रास्ता दिखाने के लिए न जाने कैसी कैसी तरकीब अपनाई जा रही है जी। लेकिन भाइयों बहनों, ये देश देखिए, दुनिया को इस बात को समझना होगा, जनता को कष्ट कम नहीं हुआ है, बहुत तकलीफ झेली है, कभी सोची नहीं इतनी तकलीफ झेली है जी। उसके बावजूद भी ईमानदारी के रास्ते पर देश चलता है तो कष्ट झेलने के लिए तैयार हो रहा है, छह छह आठ आठ घंटे कतार में खड़ा रहता है ये। इतनी तकलीफ के बावजूद भी जब मुंह में उंगली डाल डाल करके पूछा जाता है, फिर आखिर में कहता है, नहीं लेकिन किया तो अच्छा है। साहब, मैं देश के राजनेताओं को कहना चाहता हूं कि हम 125 करोड़ देशवासियों की ताकत पर भरोसा करें। ऐसा सद्भाग्य नहीं मिल सकता है कि जहां 125 करोड़ देशवासी अपने स्वार्थ के लिए नहीं, कहीं कुछ मिलता और कतार में खड़ा रहे हो तो अलग बात है, ये तो भाई देश का भला हो कष्ट झेलूंगा, ऐसा साहब दुनिया में कहीं संभव नहीं होगा जी। इन 125 करोड़ देशवासियों को जितना नमन करे उतना कम है जी, जितना नमन करे उतना कम है। और जब जनता जनार्दन तो स्वयं ईश्वर का ही अवतार होता है, और जनता जनार्दन के आशीर्वाद मतलब ईश्वर के आशीर्वाद होते हैं, और जिस सत्य के काम में ईश्वर के आशीर्वाद होते हैं वो सत्य कभी भी ओझल नहीं हो सकता, वो सत्य उजागर के ही रहता है, वो परिवर्तन ला करके ही रहता है। और कुछ लोग विरोध करने में इतना अपना संतुलन खो देते हैं, मैं तो हैरान हो जाता हूं। इन दिनों अब इस पर तो बोल नहीं पाते, कह नहीं सकते कि काला धन नहीं है, कह नहीं सकते कि भ्रष्टाचार नहीं है, ये भी नहीं कह सकते कि जाना नहीं चाहिए, तो लेकिन कुछ तो बोलना है तो क्या बोले, लेकिन बोलने में ऐसी गड़बड़ करते हैं जी। अब बताइए, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, जब मैं कह रहा हूं ना कि भाई समय की मांग है, बदलाव आना चाहिए। अब एक जमाना था, चांदी का रुपया होता था वही करेंसी में चलता था, वक्त बदलते बदलते कागज का आ गया, चल रहा है कि नहीं चल रहा है? अब वक्त बदल रहा है तो टेक्नोलॉजी से ऑनलाइन बैंकिंग हो रहा है, आपके मोबाइल फोन में ही आपकी बैंक है। तो मैं जब कह रहा हूं कि भाई अब बिना जेब में नोटों के थप्पे भरे बिना भी काम हो सकता है, तो भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, और लोगों को लगता है कि मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे, फाइनेंस हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, लेकिन बहुत कम लोगों को मालूम है कि 1970-72 से वो देश की अर्थव्यवस्था की कोर टीम में हमेशा रहे हैं, इतने लंबे सर तक, और इतने साफ कुशलता, देखो कोई दाग उन पर नहीं लगता है, होता सब है। उन्होंने अभी ऐसा कहा, जब मैं कैशलेस की बात करता, उन्होंने कहा कि जिस देश में 50% लोग गरीब हो वहां ये टेक्नोलॉजी वगैरह कैसे हो सकता है। अब मुझे बताओ भाई, ये वो अपना रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं कि मेरा दे रहे हैं? ये 50% गरीबी ये विरासत किसकी मैं झेल रहा हूं जी?
मनमोहन सिंह जी आप विरोध करें 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 कोई बात नहीं, आप पूर्व प्रधानमंत्री हैं, हम गंभीरता से लेते हैं आपकी बात को, लेकिन आप अपना रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं ये मुझे खुशी हो रही है। उनके एक दूसरे महानुभाव जो देश के वित्त मंत्री रहे वो लेख भी लिखते हैं, सुमान चिदम्बरम जी, उन्होंने कहा कि हमारे देश में 50% गांवों में अभी भी बिजली नहीं है तो कैशलेस कैसे करोगे। अब बताइए साहब, कहीं पर बिजली थी किसी गांव में, मैंने आकर के खंभा उखाड़ दिएगा। क्या मैंने आकर के तार काट दिया क्या? मतलब चिदंबर जी 2014 में तो आप कहते थे कि हमने इतना विकास किया है, इतना विकास किया है, काशी में मोदी की जमानत जब्त होनी चाहिए, अब कहते हैं 50% गांव अंधेरे में डूबे पड़े हैं। ये मोदी का विरोध करने में, ये देखिए साहब, ये काशी का बच्चा है, काशी की जनता ने मुझे पाला पोषा और इसलिए इस पवित्र धरती के आशीर्वाद है कि इधर से हो उधर से हो तुमसे सच निकलवा के ही रहेगा। उनके एक युवा नेता है, अभी भाषण सीख रहे हैं, ऐसे करते वो भी ऐसे करते, जब से उन्होंने बोलना सीखा है और बोलना शुरू किया है मेरी खुशी का कोई पार नहीं है। ₹2009 में पता ही नहीं चलता था कि भाई इस पैकेट के अंदर क्या है, पता ही नहीं चलता था, अब पता चल रहा है कि भाई ये है ये नहीं। न बोलते तो बड़ा भूकंप आ जाता सर, और देश को इतना बड़ा भूकंप झेलना पड़ता, ये देश 10 साल तक उभर नहीं सकता था। लेकिन अच्छा हुआ कि बोलना शुरू हो गया तो पता चल रहा है भूकंप की संभावना बची नहीं, क्योंकि देश की जनता समझ गई। जी इन्होंने बड़ा मजेदार कहा, उन्होंने कहा जिस देश में 60% लोग अनपढ़ हो वहां मोदी ऑनलाइन बैंकिंग की बात कैसे कर सकता है। मुझे बताइए साहब, कोई पढ़ा लिखा था क्या? मैंने कोई जादू टोना किया कि वो अनपढ़ हो गया? ये 60% अनपढ़ थे, ये रिपोर्ट कार्ड आपने किसका दिया जी, जरा बताओ तो। भाई बहनों, ये क्या कर रहे हैं उनको भी समझ नहीं है जी। लेकिन अच्छा है, किसी का काला धन खुल रहा है तो किसी का काला मन खुल रहा है। लेकिन देश साफ सुथरा होकर के, स्वच्छ होकर के, सोने की तरह तप करके निकलेगा, इस विश्वास के साथ में लगा। मैं यूनिवर्सिटी के कैंपस में आया हूं, पढ़े लिखे लोग हैं, मेरा आपसे आग्रह है, मेरी बीएचयू के सभी नौजवानों से आग्रह है, जो इस सभागृह में होंगे, जो बाहर होंगे, सबसे आग्रह है, और भूतपूर्व विद्यार्थियों से भी आग्रह है मेरा।
कालाधन भ्रष्टाचार की सफाई तो हो, लेकिन फिर से पनपे नहीं इसकी भी व्यवस्था होनी चाहिए। इसमें मुझे आपकी मदद चाहिए पढ़े लिखे नौजवानों, और वो मदद चाहिए कि हम ऑनलाइन बैंकिंग की और लोगों को तैयार करें। अब चाहे मोबाइल फोन से भी पेमेंट देकर के पिया जा सकता है, चाहे मोबाइल फोन से पेमेंट लेकर के दिया बेचा जा सकता है, हर चीज संभव है। आपके मोबाइल फोन में ही आपकी बैंक है, अगर आपका बैंक में खाता है आप आराम से उसको ऐप को डाउनलोड करके कारोबार चला सकते हैं। हम जितना ज्यादा ये करेंगे ये नोटों का खेल बंद होना शुरू हो जाएगा, और इसलिए भ्रष्टाचार काले धन के खिलाफ की लड़ाई हमको जीतनी है। जाली नोट उसको तो 8 नवंबर को ही उसको दफना दिया गया, आतंकवाद नक्सलवाद माओवाद नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी सारा कारोबार एक एक झटके में चौपट हो गया। बहुत बड़ी मात्रा में नक्सल लोग आजकल सरेंडर करने लगे हैं क्योंकि खिलाएगा कौन, पुरानी नोट तो चलती नहीं है। भाइयों बहनों कुछ निर्णय ऐसे होते हैं कि जो समाज जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव लाते हैं, और कुछ लोगों को विरोध करना है आज हैरान हो गए साहब, देश की सेना के जवान मौत को मुट्ठी में लेकर के पाकिस्तान में जाते हैं, आतंकवादियों से भिड़ते हैं, उनका खात्मा बुला करके वापिस आते हैं, जिंदा लौट करके आते हैं। कुछ लोगों को उसकी भी परेशानी हो गई कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था कि नहीं हुआ था बताओ, फिर उनको लगा कि देश का मिजाज अलग है तो फिर चुप हो गए। देश की इंस्टीट्यूशंस पे इस प्रकार से माहौल बनाना कितना शोभा देता है क्या। लेकिन मुझे विश्वास है मेरे प्यारे भाइयों बहनों और काशी की धरती पर से मुझे जो आशीर्वाद मिले हैं, नई ताकत मिली है, मुझे विश्वास है कि देश जिन इरादों को लेकर के हमारा साथ दे रहा है उन इरादों को पूरा करने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।